पूरी राज्य और प्रजा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं सम्राट। धन्यवाद, हम आपके स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए। आप भी हमारी और हमारे साम्राज्य की ओर से शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। राजकुमारी जी, क्या तारीफ करूं सम्राट की। बस यूं समझ लीजिए, जिंदगी में पहली बार आज एक पूर्ण पुरुष के दर्शन हुए। बस हमसे शादी करने के लिए कोई ऐसा वैसा आ सकता था क्या? राजकुमारी जी, तीन चोटी वाली गुलबदन आई है, हाथ देखकर भविष्य बताती है। हमें अपना भविष्य अच्छी तरह मालूम है। सम्राट हमसे शादी करने आए हैं और हम सूर्य देश के होने वाली महारानी हैं। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, गुलबदन ने हमें कभी नहीं देखा। मीनाक्षी, तुम हमारे कपड़े पहनकर राजकुमारी बन जाओ और तुम गुलबदन को लेकर बसंत महल में पहुंचो। आज उस तीन चोटी वाली को ऐसा चक्कर देंगे कि वो भी क्या याद करेगी। लेकिन मुझे सम्राट के पास जाने की आज्ञा मिली है। सम्राट की सेवा बाद में, पहले हमने जो कहा है वो करो। चंपा, तुम इसे फौरन तैयार करके ले आओ। चलो देवर, हम भेष बदलकर नगर की सैर करने जा रहे हैं। अरे ओ गुलबदन, तू हमारी राजकुमारी जी का भविष्य बताने आई थी ना। ये है हमारी राजकुमारी। राजकुमारी जी की जय हो। बाबा, हाथ की लकीर में छुपी तकदीर, जाने कोई पीर फकीर, जिस कन्या का है ये हाथ, किस्मत उसकी के साथ, किसी शहंशाह से सौदा होगा दिल का, बहुत बड़े मुल्क की बनेगी मलिका। नादान लड़कियों, हंसती क्या हो? सूरज रोज निकलना छोड़े, हवा हमेशा चलना छोड़े, दुनिया चाहे जोर लगा ले, मेरी बात चले ना टाले। हाँ, अरे ओ तीन चोटी वाली, अब जा और जाके अपना इनाम ले। राजकुमारी जी की जय हो। राजकुमारी जी, मलका बनकर हम गरीबों को भूल मत जाइएगा। हंसी मजाक छोड़िए ना, मुझे सम्राट के पास जाना है। हाँ हाँ, जाइए राजकुमारी जी, लेकिन राजकुमारी के भेष में नहीं, दासी के भेष में। सुनो सेवक, राजकुमारी हमें बनाने दासी बनकर आएंगी, हम भी दास बनकर उन्हें बनाएंगे। Thank you.
लगता है ये काम पहली बार कर रही हो। नहीं नहीं, यही मेरा रोज का काम है। मैं राजकुमारी की दासी हूँ। तुम कौन हो जी? मैं सम्राट का दास हूँ और दासी का भी। देखो जी, दूर से बात करो, सिर्फ दासी मत समझना। मुंह लगी सखी भी हूँ राजकुमारी की। हाथ दिखाना। क्यों? इसलिए कि मैं हाथ देखना भी जानता हूँ। आपको प्रणाम करना चाहिए, आपके सामने सर झुकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बड़े देश की होने वाली महारानी हैं। छोड़ो, बनाने के लिए मैं ही मिली। बनाने वाले ने जो बनाना था बना दिया। बस अब मेरे हाथ से अपना हाथ मत छुड़ाना। तकदीर का एक और कमाल देखिए, आपके हाथ और मेरे हाथ की रेखाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। मतलब? मतलब ये, आपकी शादी मुझसे होगी। आज से तुम हमारी महारानी हो। सम्राट की जय हो। लगता सम्राट आ गए, मैं जा रही हूँ। सम्राट, ये है मेरी बेटी नंदनी। सम्राट, अब आप सूर्य देश की होने वाली महारानी को वरमाला पहनाइए। सम्राट, आपसे भूल हुई, ये मेरी बेटी नंदनी नहीं, मीनाक्षी है, नंदनी की दासी। अब ये दासी नहीं, सूर्योदेश की महारानी है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, दूर है हमसे कमीनी। नंदनी, सूर्योदेश की महारानी के साथ तमीज और अदब के साथ बात करना सीखो। महारानी, ये दो कौड़ी की दासी है जो हमारे तलवे चाट चाट कर बड़ी हुई है, और अब एक ऐसे सम्राट से हमें तमीज और अदब सीखना पड़ेगा जो नाली के गंदे कीचड़ को चंदन का टीका समझकर माथे पे लगा रहा है। भगवान संभालो नंदनी। नहीं नहीं सम्राट, राजकुमारी इससे मैं आपे में नहीं है। आप इनसे विवाह करने आए थे लेकिन माला आपने मेरे गले में डाल दी। महारानी बन के आपके साथ सिंहासन पे बैठने का अधिकार जिनका है उन्हीं को दे दीजिए। मस्त की शोभा राज मुकुट से होती है, जूती सदा पैरों में पहनी जाती है। अच्छा, ये कोई नया नाटक है क्या? नंदने, ये बड़े कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारा मन छोटा है। सम्राट, हमें अपने चुनाव पर गर्व है। में हो बेटी, शांति से काम लो। पिताजी, जिस दिन ये कमीनी मीनाक्षी भिखारन बनकर दर दर की ठोकरे खाती फिरेगी और मैं महारानी बनकर सूर्य देश के सिंहासन पर बैठूंगी, शांति मुझे उस दिन मिलेगी। कुमार चंद्रदेव आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये भी ठीक है भाभी जी। महारानी जी, हम सूर्य देश के इस राजमहल में आपका स्वागत करते हैं। कुमार में सभी गुण हैं, केवल एक अवगुण है, सबकी बातें छुप छुप कर सुनते हैं। सम्राट के पुत्र युवराज विक्रमदेव के तीसरे वर्षगांठ के उत्सव में शामिल होने के लिए उन्होंने जो हमें निमंत्रण भेजा है उसके लिए धन्यवाद। आप इस अवसर पे पधारेंगी ना?
हम जरूर आएंगे सेवक सिंह जी, और सम्राट और महारानी जी को हमारा अभिनंदन दीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजकुमारी जी, आप वहां जाएंगी? सुंदरी, तुम हमेशा हमसे एक ही सवाल पूछा करते थे ना, कि हमने मीनाक्षी और सम्राट से जो बदला लेने की कसम खाई थी उसका क्या हुआ। आज वो वक्त आ गया है, फौरन चलने की तैयारी करो। सूर्य देश का सिंहासन हमारा इंतजार कर रहा है। युवराज जुग जुग जिए, सूर्य देश का सूरज हमेशा चमकता रहे। महारानी जी। नहीं नहीं राजकुमारी जी, मैं आज भी आपके लिए वही मीनाक्षी हूँ जिसे प्यार से आप अपनी सखी कहा करती थी। देखा सम्राट, मैंने कहा था ना, राजकुमारी जी जरूर आएंगी। राजकुमारी जी, आपने यहाँ पधारकर हमारा मान बढ़ाया है। विश्वास है कि युवराज अवश्य मिल जाएंगे। विश्वास ना होता तो एक माँ अपने लाल के खो जाने पे पागल ना हो जाती। आप दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुला भेजिए, लेकिन मुझे तो अपने रिद्धि सिद्धि दायक विनायक पर भरोसा है। इन्हीं की कृपा से मुझे मेरा लाल मिलेगा, यही उसकी रक्षा करेंगे। Thank you.
सभा में कोई ऐसा विद्वान नहीं जो हमें युवराज का पता बता सके। मैं बता सकता हूं। कौन ज्ञानी है जिसने ये कहा? अलोक, मैंने कहा सम्राट, आपके प्रश्न का उत्तर ये ज्योतिषी नहीं दे सकते, केवल मैं दे सकता हूं। आप कौन हैं? सिद्ध पुरुष जो समय और स्थान की सीमा पार कर चुका है। अलोक, जो दुष्ट युवराज को उठाकर ले गया है उसका क्या हुआ? सम्राट, उस दुष्ट को उसके दुष्कर्म की सजा मिल गई, उसकी मृत्यु हो गई। अलोक, और युवराज विक्रम, सम्राट, युवराज प्रसन्न है, सुरक्षित, इस वक्त वो दूध पी रहे हैं। किंतु महाराज, युवराज का पता? पता मिल जाएगा। यहां से 5 कोस की दूरी पर काली गुफा में हम आसन जमाकर मंत्र सिद्धि करेंगे। आगामी गुरुवार को सूर्य की पहली किरण के साथ सिर्फ आप और महारानी, आपके साथ और कोई नहीं होना चाहिए, आप वहां पधारिए। हम अपनी मंत्र शक्ति के साथ युवराज को अपने पास बुलाकर आपके अर्पण कर देंगे। राजकुमारी जी, आप यही ठहरिए, मैं पहले देखती हूँ। मेरी बहन, तुम यहाँ? हाँ भैया। भैया, वो सम्राट सूर्यदेव के महल में जो सिद्ध पुरुष आया था, वो आप थे? हाँ, मैं था। ओह, भैया, ये है पुष्पापुरी की राजकुमारी नंदिनी देवी। अलोक, राजकुमारी जी, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था भैया घर छोड़कर चले गए, ये वही है मेरे भाई महेंद्र। याद है हमें। लेकिन भैया, आप सिद्ध पुरुष कब से बन गए? ये एक बहुत लंबी कहानी है बहन। घर छोड़कर मैं बरसों इधर उधर भटकता रहा, फिर अचानक एक दिन मुझे एक योगी महाराज मिल गए। उनकी योग विद्या से प्रभावित होकर मैंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। तो युवराज को वापस लाने के लिए तुम अपने गुरु की सहायता लेने वाले हो? नहीं बच्चा, नहीं। मैंने अपने गुरु की बहुत सेवा की, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे अपनी विद्या में से कोई गुरु नहीं सिखाया। तो फिर? तो फिर दुखी होकर मैंने भी अपने गुरु को छोड़ दिया, लेकिन उस गुरु को छोड़ने से पहले मैंने उसकी झोली में से ये 5 गोलियां चुरा ली। ये 5 गोलियां। अलोक, वो तो आपकी पुरानी आदत है भैया। इन गोलियों में क्या करामात है? कुत्ता बन जाओ। ला 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 ला। अरे, किसकी बच्ची है भैया? ये मेरी बच्ची है सुंदरी। भैया भाभी कहाँ है? सुंदरी,
इसके पैदा होते ही तुम्हारी भाभी हम दोनों को छोड़कर परलोक सिधार गई। खैर राजकुमारी, अब मैं इस गोली की मदद से अपनी बच्ची को युवराज बनाकर सम्राट के हवाले कर दूंगा। बड़ी होकर मेरी संतान इतने बड़े देश की सम्राट बन जाएगी। और तुम? मैं? हाँ, तुम्हें क्या मिलेगा? जो है उसे भी खोदोगे? तुम्हारी संतान युवराज विक्रम बनके सम्राट सूर्यदेव को ही अपना पिता समझेगी, तुम्हें नहीं। तुमसे तो इसका संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा। संतान सम्राट बनकर सिंहासन पे बैठेगी और पिता अलग अलग चिल्ला चिल्ला कर गलियों की खाक छानता फिरेगा। नहीं। एक बात कहूं? जी। गोली की मदद से तुम खुद ही सम्राट क्यों नहीं बन जाते? हाँ, मैं सम्राट बन जाऊं? हाँ सुंदरी, तुम ही समझाओ ना अपने भैया को, क्या नहीं है इनमें? जो अपने गुरु को दगा दे सकता है वो सम्राट का रूप धारण करके सम्राट से उसका राजपाट नहीं छीन सकता क्या? राजकुमारी, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरी बच्ची का क्या होगा? हमारे पास रहेगी। हमारे? हाँ, हमारी बेटी बनकर हम इसे माँ का प्यार देंगे, बाप के साथ साथ इसे माँ भी मिल जाएगी। आप माँ, मैं पिता। हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये गोली सम्राट सूर्यदेव के लिए और ये उनकी धर्म पत्नी मीनाक्षी के लिए। धर्म पत्नी मीनाक्षी। भैया क्या है? सम्राट आ रहे हैं। है? ये गोली मेरे लिए, ये तुम्हारे लिए। हमें दे दो, हम बनाते हैं। चलो अच्छा, जल्दी करो जल्दी। सम्राट और महारानी, मेरी साधना सफल हुई। मंत्र शक्ति द्वारा युवराज हमारी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। बच्चे की आवाज सुनी आपने? सुना महारानी आपने? ये आपके युवराज के रोने की आवाज थी। कहाँ है हमारा लाल? सम्राट, अब आप ये पवित्र जलपान कीजिए और इस सिद्ध पुरुष की सिद्धि का चमत्कार देखिए। इसके पीते ही आपको युवराज नजर आने लगेंगे, जैसे कि मुझे नजर आ रहे हैं। सूर्य वंश के सम्राट, तुम मोतियों की माला बन जाओ। स्वामी, ये क्या क्या तूने? तूने ये क्या क्या निर्दय? मेरे स्वामी, मेरा सुहाग, मेरा सुहाग, मेरे पति नहीं। मीनाक्षी, तुम बूढ़ी भिखारन बन जाओ। जिसने हमें ठुकराकर तुझे माला पहनाई थी, हमने उसे माला बना दिया है। अब इस माला को अपने गले में डालकर दर दर के ठोकरे खाते फिर।
आपने कितना बड़ा अन्याय किया राजकुमारी। आपने मुझसे मेरा लाल छीना, मेरा स्वभाव छीना, मेरा सब कुछ छीन लिया। भगवान आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। दूसरों का सुख चैन छीनने वाला कभी सुख की नींद नहीं सो सकेगा। कामिनी, हमें साथ देती है, जादू हो जा हमारी नजरों से। गोलियां मिला दी? हाँ। अब मैं सम्राट सूर्य देव बन जाऊं। हम जो हैं वो ही बने रहे। तो फिर एक गोली जाया करने की क्या जरूरत थी? गोली डालने के बाद हमें ख्याल आया कि हमारा ये रूप मीनाक्षी के रूप से कहीं ज्यादा अच्छा है, और आपने भी तो हमें इसी रूप में पसंद किया है, तो फिर हम एक तुच्छ दास्य का रूप धारण करके सिंहासन पे क्यों बैठे? लेकिन आप इस रूप में सिंहासन पे कैसे बैठेंगी? वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए सम्राट। चाहिए राजमहल में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सम्राट, आप अकेले कैसे? युवराज नहीं मिले और भाभी जी कहाँ हैं? मनुष्य सबसे लड़ सकता है, अपने भाग्य से नहीं लड़ सकता। युवराज विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सिद्ध पुरुष के मुंह से सुनते ही महारानी लड़खड़ा के हजारों हाथ गहरी खाई में गिर पड़ी, उनकी लाश तक न मिल सकी। हम अपनी मीनाक्षी का अंतिम संस्कार भी न कर सके। हे राम, ये क्या हो गया? महल में मैं यहाँ की महारानी हूँ। हंसते क्यों हो? मैं सचमुच यहाँ की महारानी हूँ। महारानी? तुम्हारी महारानी मीनाक्षी। सुना? और ये माना? असल में माना नहीं, तुम्हारे सम्राट है। अरे मैं तो इसे भिखारी समझा था, पर ये तो पगली है। पगली? नहीं, मैं पगली नहीं, तुम सब पागल हो, मुझे पहचान तो नहीं हो। हर का मुझे अपने महल में जाने दो। नहीं नहीं नहीं, जाने दो मुझे, मुझे अपने महल में जाने दो। सुंदरी, तुम रो क्यों रही हो? महाराज की दशा मुझसे देखी नहीं जाती। दशा हमसे भी देखी नहीं जाती। लेकिन इसका इलाज क्या है? बता 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 बता। शादी? शादी? ये क्या कह रही हो? अरे जमीन ठीक है, महाराज ने पहले भी एक दासी से शादी की थी, अब दूसरी दासी तैयार है, मोटी है। मुझसे नहीं, हमारी राजकुमारी नंदिनी जी से। सम्राट, आप असल में पुष्पापुरी की राजकुमारी नंदिनी से विवाह करने गए थे, वहाँ आपको मीनाक्षी पसंद आ गई। जब वो इस संसार में नहीं है तो आपको नंदिनी देवी को वो स्थान देना चाहिए, इससे मीनाक्षी देवी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मीनाक्षी की आत्मा को शांति मिलेगी? हाँ, तो ठीक है। Thank you.
महान देश के वासियों, आप सबने जो हमें आदर दिया है, हम इसके योग्य नहीं थे। इस पवित्र स्थान को सुशोभित करने वाली हमारी बचपन की सखी थी, हमारी बहन के समान थी। त्याग, दया और ममता की इस मूर्ति को हमने बहुत निकट से देखा था। नारी के रूप में वे साक्षात देवी का अवतार थी। हम तो उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं, इसीलिए पूजा और प्रार्थना द्वारा अपने जीवन को उनके सांचे में ढालने के लिए, उनकी आत्म शांति और अपनी आत्म शुद्धि के लिए सम्राट के साथ हम चारों धाम की पद यात्रा करना चाहते हैं। महारानी नंदिनी देवी की। तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने सोचा था अपनी नंदिनी के साथ राजमहल के सुख साधनों के बीच आनंद भोगूंगा, लेकिन तुम तो मुझे चारों धामों की पदयात्रा पर घसीट रही हो। आखिर क्यों? तुम्हारी बेटी को राजकुमारी बनाने के लिए हम उसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, और जब चंद वर्षों बाद लौटेंगे तो लोग यही समझेंगे कि वो हम दोनों की बेटी है, यानी कि राजकुमारी है। वाह देवी जी, आप महान हैं। दस्तखत कीजिए। ये क्या है? लोग पीने के लिए कुओं से जो पानी भरते हैं
उस पे कर लगाया जा रहा है। लेकिन कल जो कर लगाया था वो नदियों के पानी पे था, जिससे किसान खेती सींचते हैं। अभी बहुत से कर बाकी हैं पिताजी, धूप पे कर लगना चाहिए जिससे खेती पकती है, चांदनी पे लगना चाहिए जो फल फूलों में मिठास और सुवास भरती है, हवा पे लगना चाहिए जिससे मनुष्य जीता है। पल्लवे, ये सूर्य देश नहीं अंधेर नगरी है, जिसका सम्राट अपनी महारानी के इशारों पर नाचने वाला कठपुतला है और महारानी अपनी प्रजा के खून की आखिरी बूंद चूस जाने वाली झुक। पल्लवी, पल्लवी के माता पिता के बारे में विचार यहाँ की प्रजा के है। पिताजी, आपने अब तक अपनी पत्नी की सुनी है, एक बार अपनी बेटी की सुन लीजिए, इसे फाड़ कर फेंक दीजिए, फिर देखिए प्रजा की धिक्कार जय जयकार में बदल जाएगी। चलो आज इस बात का भी फैसला हो जाए कि सम्राट अपनी पत्नी की सुनते हैं या अपनी बेटी की। बेटी, तुम शिकार पर जाने वाली थी ना, जाओ जाओ। हाँ पिताजी, हम शिकार पर ही जा रहे हैं। रहने दो, बचपना है, आखिर आगे पुत्र ही तो था, एक और बन जाएगा। माँ जी, आप इतने सालों से देवी का दिया जलाती आ रही हैं, क्या आपकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई? नहीं महाराज, मेरे पति के जीवन में घनघोर अंधेरा छाया है, उसमें उजाला लाने के लिए मैं प्रतिदिन देवी माँ का दीप जलाती हूँ, किंतु देवी माँ की कृपा अभी तक मुझ पर नहीं हुई। देवी अपने 9 रूपों से 9 तीर्थ क्षेत्रों में प्रकट हुई है, आप उन तीर्थों में जाके हर दिन दिया जलाइए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। महाराज, मैं ये यात्रा अवश्य करूंगी, आपके आशीर्वाद और देवी माँ की कृपा से मुझे मेरे पति असली रूप में अवश्य मिलेंगे। 9 तीर्थों की यात्रा। जाना चाहिए। नहीं,
हम उस पत्थर के सीने और फौलाद के बाजू वाले जंगली को देखे बिना हरगिज वापस नहीं जाएंगे। Yeah.
तुमने हमारी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। सुनो, आज तुम हमारे मेहमान हो, आओ आओ ना, आओ आओ आओ, आओ। अंदर चलो, आओ, आओ।
यहाँ और कोई नहीं रहता तुम्हारे साथ? हम तो तुम्हें जल्दी समझते थे, लेकिन तुम तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो। ये हम कुछ नहीं जानते। तुम लोगों के होते हुए हमारी बेटी कैसे गायब हो गई और कहां गायब हो गई? अगर यहां खतरा था तो तुमने उसको यहां रहने क्यों दिया? हमने उन्हें राजमहल वापस जाने के लिए बहुत समझाया, बोली जंगली को देखे बगैर हम नहीं जाएंगे। सम्राट, राजकुमारी जी आ गई। पिताजी, इसने हमारी जान बचाई थी, इसलिए हम इसे मिलने गए थे। सुनो सुनो, ये हमारे पिताजी हैं। पिताजी, हमने इसका नाम गजेंद्र रखा है। सूरत से गजेंद्र नहीं मगरमच्छ लगता है। अगर इस जंगल ने हमारी बेटी की जान नहीं बचाई होती तो हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। पिताजी, ना ही हमारी बात समझता है ना ही इसे बोलना आता है। हम इसे राजमहल ले जाएंगे पिताजी, इसे बोलना सिखाएंगे। क्या ये एक चंद्र काफी नहीं है जो दूसरे को ले जा रही हो? पिताजी पिताजी, मान जाइए ना पिताजी। ठीक है, लेकिन इस जंगली जानवर को जानवर की तरह ही रखना, पिंजरे में बंद करके। ये भी ठीक है, नहीं तो ये सम्राट भाई की गर्दन फिर दबोच लेगा। पागल, इसने हमारी बेटी की जान बचाई है। देखने में तो इंसान है लेकिन वैसे बिल्कुल जंगली, वहीं जंगल में रहता है। पल्लवी की जान बचाने के बदले जंगली जड़ी बूटी और फलों की गाड़ी भरकर इसके लिए वहीं भिजवा देते। इस जानवर को राजमहल में लाने की क्या जरूरत थी? राजमहल के इंसान सिर्फ नाम के इंसान है, पर जंगल में पला हुआ गजेंद्र सही मानो में इंसान है। और इसे मैं राजमहल इसलिए लेकर आई हूँ ताकि यहाँ के जानवरों को इंसानियत का सबक सिखा सके। चलो आओ गजेंद्र, यूं क्या देख रही हो? जाओ तुम लोग। सेवक सिंह जी, कपड़े बदलिए। अभी बदलता हूँ। आप अपने नहीं गजेंद्र के, इस जंगली के। जी हाँ, और इनका हुलिया भी बदलिए। चलिए अजी, चलिए इनके साथ जाओ जाओ जाओ। अरे को बचाइए, अरे मर गए, अरे बचाइए कोई, राजकुमारी जी, अरे बचाइए, अरे राजकुमारी जी, अरे अरे बाप रे, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, बचाइए बचाइए। क्या हुआ, ये क्या हालत बनी आप लोगों की?
आपके हुक्म के मुताबिक राजकुमारी जी, उस जंगली का हुलिया तो हमने सवार दिया, लेकिन उसने हम दोनों का हुलिया बिगाड़ दिया। मगर गजेंद्र है कहाँ? अब मैं तुम्हें बोलना और पढ़ना सिखाऊंगी, बोलना और पढ़ना जैसे मैं बोलूंगी वैसे तुम बोलना। अच्छा चलो मेरे साथ, ये देखो नहीं नहीं शाबाश शाबाश ही नहीं से क्या बन गया हो मैं, क्या से क्या
समझूं प्यार मैं या समझूं एहसान। मैं हूँ तेरी जाती तू मेरा पतंगा पतंगा पतंगा, मैंने तेरे प्यार के रंग में तन मन रंगा तन मन रंगा। बरसी है आकाश से बरसी है आकाश से रंगों की धूल रंगों की धूल। मेरे दिल में खिल गए रंग बिरंगे फूल। झूमके आया प्यार का मौसम रंग बिरंगा मेरे संग संग लगी। तुम सुंदरता और प्यार की देवी हो, तुमने एक अनाथ को सहारा देकर उसे जानवर से आदमी बना दिया। मैं अगर 100 जन्म भी तुम्हारी पूजा करता रहूं तब भी तुम्हारे सुपकार का बदला नहीं चुका सकता। भगवान कभी मुझसे प्रसन्न हो जाएं, तो जानती हो मैं उनसे क्या मांगूंगा? तुम्हें कहूंगा एक पल्लवी दे दो, फिर और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारे भोलेपन पर हंस पड़ेंगे। क्यों? अपनों को मांगने की जरूरत नहीं होती। अपनों को? सच? सच। मुझे विश्वास नहीं आता पल्लवी। क्यों? इतने बड़े देश की राजकुमारी जानवरों के बीच पले गंवार को अपना जीवन साथी बनने को कहे तो कौन उस पर विश्वास करेगा? प्रेम केवल प्रेम देखता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। पल्लवी, तुम्हारे पिताजी सूर्य देश के सम्राट हैं, तुम उनकी एकमात्र संतान हो, इस देश की होने वाली महारानी, और मैं एक जंगल का वासी। सम्राट ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पत्नी का घर पति का घर होता है, पिता का नहीं। सूर्य देश क्या, अगर तीनों लोगों का राज एक तरफ हो और तुम एक तरफ, तो मैं तीनों लोगों का राज ठुकरा कर तुम्हें चुनूंगी। पल्लवी, खुले आकाश की छाया तले दूर दूर तक फैला हुआ जंगल हमारा घर होगा और जंगल के जानवर हमारे साथी। पल्लवी, पल्लवी क्या? ओ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ तक नहीं, वहाँ तक। वहाँ जंगल में दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पिताजी? क्योंकि तुम सम्राट की बेटी हो, तुम्हें इस देश की महारानी बनना है। अगर तुम अपनी मांग में जंगल की धूल भरोगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग मेरे साहस की प्रशंसा करेंगे और कहेंगे बेटी ने भी वही किया जो उसके पिता ने किया था। आप बोल रही हो? आप शायद भूल गए पिताजी, आपने भी सम्राट होकर एक दासी से विवाह किया था। ये भी ठीक है, तब की और बात थी। तब जो बात थी अब भी वही है, सिर्फ इंसान बदलते रहते हैं, दुनिया वैसी रहती है। प्रेम में पागल होकर दो प्रेमी जैसे पहले दुनिया वालों की परवाह नहीं करते थे, आज भी नहीं करेंगे। ठीक है, होश में आओ। कहां सूर्य देश के सम्राट की बेटी और कहां वो मनुष्य के शरीर में जानवर जिसके न माता पिता का पता है न कुल का? कौन जाने किसका पाप? सम्राट गजेंद्र, गजेंद्र ये क्या करो? गजेंद्र अगर पल्लवी ने मुझे इंसानियत का सबक सिखाकर जानवर से इंसान न बनाया होता तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। भाइयों बगल से बंद कर दो इसे कमरे में।
क्या बात है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मुझे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? क्योंकि मैं इंसानों की दुनिया से लौट कर आया हूं, लेकिन मैं सच कहता हूं, मैं बदला नहीं हूं, मैं बदला नहीं हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, तुम्हारा पुराना साथी। तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? ओ, मैं समझ गया, तुम मुझसे नाराज हो, है ना? क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था, लेकिन मैं सच कहता हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पल्लवी, गजेंद्र। ओ पल्लवी, गजेंद्र तुम आ गई। पल्लवी, मैं राजमहल हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। सच पल्लवी? हाँ। कहा सूर्य देश के सम्राट की बेटी और कहा वो मनुष्य के शरीर में जानवर जिसके ना माता पिता का पता है न कुल का, कुल अनजाने किसका पास। क्या बात है पल्लवी? तुम्हारे पिता के जहर भरे शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्हें भूल जा गजेंद्र। कैसे भूल जाऊं पल्लवी, आज ये बात सिर्फ तुम्हारे पिता ने कही है, कल सारा सूर्य देश कहेगा, सुन सकोगी तुम? कैसे भी आंधियां आए मेरे प्यार और विश्वास की ज्योत को नहीं बुझा सकती। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पल्लवी, तुम्हारे प्यार और विश्वास के सहारे अपने माता पिता को ढूंढने के लिए मैं दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा। महाराज अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, इसलिए राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि राजकुमारी का पता बताने वाले को 10,000 सुवर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएंगी। नहीं। क्यों, बेटी नहीं चाहिए? लेकिन यह घोषणा करवाने से राज्य के हर नर नारे को पता चल जाएगा कि हमारी बेटी भाग गई है, हमारे कुल की मान मर्यादा खाक में मिल जाएगी। तुम्हारा बाप घोड़ों की मालिश किया करता था, तुम्हारी बहन दासी बनकर अब भी हमारे पांव दबाती है, और तुम चुराई हुई गोलियों के बल पर राजा बने बैठे हो। कितना ऊंचा कुल है तुम्हारा, कितनी मान मर्यादा है तुम्हारी, कुल की मर्यादा। नंदने! मां, पल्लवी आ गई, हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। और माँ, शादी का सारा इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। वो देखो। ए, सुनो, तुम जाकर सारे जंगल वासियों को हमारे विवाह का न्योता देकर आओ। Thank you.
कोई घर न कोई आशियां
शर्म सारो जरा मुँह उधर फेर लो, शर्म सारो जरा मुँह उधर फेर लो, मेरा यार बड़ा शर्मीला, मेरा यार बड़ा शर्मीला। मेरा यार बड़ा शर्मीला, मेरा यार बड़ा शर्मीला। के शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ माँ दुर्गे, तेरे भिन्न भिन्न रूपों के आगे ज्योति जलाते परसों बीत गए, कब तेरी दया की दृष्टि होगी, कब मेरी मनोकामना पूरी होगी माँ? माँ, ये आपकी माला। माँ, 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 ये लेना माँ जी। अरे ये ठीक नहीं है, दूसरा देना। अरे चल तो सही भगवान, मौसी के घर चलकर देखते हैं। चलो चलो चल। Yeah.
मेरी माला। पुजारी जी, आप माँ जी और पल्लवी का ध्यान रखिए, मैं इनका हार लेके आता हूँ। माँ जी। जरा सहारा दो, मैंने अपने घर ले चलता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट सूर्यदेव की आज्ञा से सूर्य देश के हर नर नारी को सूचित किया जाता है कि राजकुमारी पल्लवी, जिनका चित्र यह है, कुछ दिनों से लापता है। राजकुमारी को ढूंढ कर लाने या उनका पता बताने वाले को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएंगी। मायादास जी। गुरुजी। अरे तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? कुछ नहीं। जल्दी वैद्यराज को लेकर घर आ। अच्छा गुरुजी। जल्दी है तू हकदार को उसका हक दिलाने वाला? मतलब वो माला लेने आया हूं जो तुम एक बुढ़ी औरत से छीन के लाए हो। छीना हुआ माल लौटाने की हमें आदत नहीं है। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने साथियों के बल पे इतराने की आदत है? बुजदिलों का यही दस्तूर होता है। नहीं, रुक जाओ। इसने हमें ललकारा है, इसका जवाब हम देंगे। हम दोनों की टक्कर में कोई तीसरा दखल नहीं देगा, समझे? अभी फैसला हो जाएगा, ये माला तू ले जाएगा या हम तेरी जान लेंगे। Thank you.
माजी, माजी, मायादास, मायादास, कहाँ चला गया? घबराओ नहीं बेटी, तुम इन्हें संभालो, मैं अभी वैद्यराज को लेकर आता हूँ। माजी, माजी, मेरी माला, मेरे पति, मेरा सुहाग, मेरी माला। ये कमीज तुम्हारे पास कहाँ से आई? हाँ, बोले कमीज तुम्हें कहाँ से मिली? ये मेरे विक्रम की है, मेरे बेटे की है। बोलो, बोलो तुम्हें कहाँ से मिली? सच माँ जी? हाँ। इसका मतलब है? वो देखिए, वो रही राजकुमारी पल्लवी। राजकुमारी जी, चलिए हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्षमा कीजिए, सम्राट की यही आज्ञा है, यदि आप हमें से इनकार करें तो हम आपको जबरदस्ती उठा कर ले चले। कह दिया ना मैंने, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ले चलो। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं नहीं छोड़ो, इसे मत ले जाओ, इसे बात पूरी कर ले दो, भगवान के लिए मत ले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे माँ जी, मत ले जाओ माँ, बिठा लो मुझे, छोड़ो, ले चलो। देवी माँ, मुझे किस जन्म के पापों की सजा मिल रही है माँ, जब परसों की पूजा और प्रार्थना का फल मिलने का समय आया तो सिपाही लोग उस लड़की को पकड़ कर ले गए। मुझ पर दया करो माँ, मेरा बेटा मुझसे मिला तो। माँ जी, मैं आपका हार वापस ले आया। मेरा हार? मेरे पति देव, तू तो ठीक है ना बेटे? ये मेरी कमीज। तुम्हारी कमीज? हाँ माँ जी, आपके पास कैसे आई? एक यही तो है मेरे बचपन की निशानी। तू सच कह रहा है बेटे? हाँ माँ जी, जब बचपन में हाथियों ने मुझे जंगल में पड़ा पाया तो यही कमीज मेरे बदन पे थी। हाथियों ने इसे 20 साल तक संभाल के रखा। अब इसी कमीज के सहारे मैं अपने माता पिता को ढूंढने निकला। हाँ, यही कमीज थी, एक ताबीज भी था उसके गले में। हाँ माँ जी, ये देखिए ताबीज। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? विक्रम, 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 मेरे बेटे। आप मेरी माँ हैं? मेरे लाल, मैं तेरी माँ मीनाक्षी हूँ और तू मेरा बेटा विक्रम है। आप मेरी माँ हैं? हाँ बेटे, मेरे लाल, मेरे माँ, 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 मेरे बेटे। मेरी आगे तरस गई थी तुझे देखने के लिए। माँ, मुझे सब कुछ पता माँ, हमें एक दूसरे से बिछड़े कैसे, ये सब कैसे हुआ? तेरे पिता सूर्य देश के सम्राट थे क्या? और मैं वहां की महारानी थी। तू राजकुमार विक्रम है। राजकुमार? हाँ, मैं सब बताती हूँ, कैसे नंदिनी और उसकी दासी सुंदरी ने जादूगर से मिलकर हमारा सर्वनाश कर दिया बेटे। पिताजी, आपके सिपाही मुझे यहाँ ले आए हैं, मगर याद रखिए, वो खामोश बैठने वाले नहीं है। क्या करेगा वो जंगली, तुम्हें जबरदस्ती राजमहल से उठा के ले जाएगा? जरूर ले जाएंगे, आप लोग उनकी शक्ति देख चुके हैं, वो चाहे तो आपके राज्य की ईंट से ईंट बजा दे, आपकी शान और शौकत को खाक में। प्यार आया तो लड़की को सिर पे बिठा लिया, उस आया
तो हाथ उठा लिया। 20 साल राज सिंहासन पे बैठने पर भी राजनीति नहीं आई तुम्हें। मत रो, मत रो। मैं सारी बात समझ गया। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि जब तक तुम्हारा और अपने पिता का उद्धार नहीं करूंगा आराम से नहीं बैठूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं बेटे नहीं, मैं तेरे पिता के साथ राजमहल से बाहर निकली थी, अब उन्हीं के साथ वापस जाऊंगी। जा बेटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हमारा तो ख्याल है पल्लवी की शादी फौरन कहीं और करके उसे कहीं दूर भेज देना चाहिए। ठीक है, हम 56 राज्यों के राजकुमारों को फौरन निमंत्रण पत्र भिजवाते हैं। किस लिए? किस लिए? हम राजकुमारी पल्लवी का स्वयंवर रचाएंगे। सुनिए, कौन सा मूल्य के स्वयंवर रचाएंगे आप, और फिर किसका स्वयंवर रचाएंगे? उसका जो एक जंगली से अपना मुंह काला करके आई है। चिल्लाइए मत, चिल्लाने से ना आपका खून और खानदान बदलेगा और ना आपके बेटे का। पुरानी जिंदगी की याद दिलाकर मुझे बार बार छोटा बनाने की कोशिश मत करो। जो कुछ भी हमने अब तक किया है मिलकर किया है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने रूप बदल कर किया है और तुमने अपने असली रूप में। अगर आइंदा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्री महाराज अधिराज की सेवा में अंधेर नगरी के राजकुमार चौपट सिंह का नमस्कार स्वीकार हो। अंधेर नगरी? हम 25-30 साल के अति सुंदर नौजवान हैं जो राजकुमारी पल्लवी से विवाह की इच्छा रखते हैं। हम ऊंच नीच का भेदभाव न मानकर सबको एक आंख से देखते हैं और हर कदम संभल कर सोच विचार कर आगे रखते हैं। ठीक है, सब ठीक है। युवराज को सम्मान पूर्वक अंदर लाया जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लीजिए, सम्मान पूर्वक ही चले आ रहे हैं अंधेर नगरी के युवराज चौपट सिंह। ये भी ठीक है। तुमने तो पत्र में लिखा है तुम्हारी आयु 25-30 वर्ष की है। जो लिखा था सच लिखा था महाराज, 25 और 30, 55 वर्ष कल ही पूरे किए हैं हमने। और सभी को एक ही आंख से देखता हूँ, वो तो आप देख ही रहे हैं। अरे दूसरी है कहाँ जो दोनों से देखोगे। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। और महारानी, जीवन का हर कदम संभल के उठाता हूँ। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई महाराज। सुना है राजकुमारी पल्लवी अति सुंदर है, जरा उन्हें बुलाइए तो। कुछ वो हमें पसंद करे, कुछ हम उन्हें पसंद करें। तुम क्या समझते हो हमारी बेटी तुम जैसे टेढ़े मेढ़े आदमी को पसंद कर लेगी? महाराज शायद आप हमारे गुण नहीं जानते। राजकुल में जन्म लेने के सिवाय तुम में और क्या गुण है? क्षमा कीजिए महाराज, आपकी बेटी में तो वो गुण भी नहीं। नंदिनी, जालिम कमर तो छोड़, टूट के दो टुकड़े हो जाएगी। ले कमर छोड़ दे और हाथ पकड़ेगा। अरे हाथ ही पकड़ना था सुंदरी का तो जवानी में आता। अरे मैं तेरा हाथ पकड़ने नहीं, हाथ देने आया हूँ। चोची है क्या? एक बार हाथ देकर इस राज्य की तकदीर बदली थी, आज फिर हाथ देकर तकदीर बदलेगी। अरे खंजर क्यों गुजार रहा है आंखों से देखना? आंखें बाहर की चीज देखती हैं, अंदर का भेद खंजर मालूम करेगा। अंदर का भी अलग, काली गुफा के अंदर। अंदर अलग बैठा है जादूगर। जादूगर अलग, सम्राट और
महारानी आए? आए आकर गायब कहाँ हो गए? मुझे नहीं मालूम। कंजर, तेरे जाने के लिए कुछ कंजर। मैं मर जाऊंगी। काली गुफा के अंदर एक राजकुमारी भी है, उसकी एक दासी भी है। कौन है ये राजकुमारी, कौन है ये दासी? मुझे नहीं मालूम। कंजर, बताती हूँ, सब बताती हूँ। राजकुमारी नंदिनी थी, जादूगर मेरा भाई महेंद्र, वो अपने गुरु से जादू की 5 गोलियां चुरा कर भागा था। एक गोली से खरगोश को कुत्ता बनाया, ये देखकर नंदिनी उसे मिल गई। दोनों ने मिलकर सम्राट को एक गोली से मोतियों की माला बनाया और एक से महारानी को बूढ़ी भिखारन। बूढ़ी भिखारन माला लेकर चली गई। एक गोली नंदिनी ने पानी में घोल कर महेंद्र को पिलाई, वो सम्राट बन गया। आखिरी गोली का पानी पीकर नंदिनी बोली, मैं जो हूँ वही बनी रहूं, इसलिए वो नंदिनी बनी रही। तूने नंदिनी को गोली पानी में घोलते देखा? नहीं। तेरे भाई ने देखा? नहीं। अगर उसे नंदिनी रहना था तो 5वीं गोली बर्बाद क्यों कर दी? क्या कहा? कुछ नहीं। ये क्या कर रही? आज भरी सभा में तूने मुझ पे हाथ उठाया, इसी दिन के लिए मैंने एक गोली बचा कर रखी थी, तू अब भी मेरी मुट्ठी में है। मैंने तुझे एक मामूली जादूगर से महाराज बना दिया, एक गोली पिलाकर जब चाहूं वापस महेंद्र बना सकती हूं। गोली कहां गई? गोली हमारे पास है। तुम घबराइए नहीं, आप इस गोली से महाराज को वापस महेंद्र बनाना चाहती है ना? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम ये बात कैसे जानते हो? हम तो वो बात भी जानते हैं। कौन सी? महाराज सूर्यदेव माला और महारानी मीनाक्षी भिखारिन। असल में तुम हो कौन? महेंद्र का गुरु भाई चौपटानंद, सब चौपट करने आया हूँ। सौदा करोगे? दो शर्तों पर। बोलो। इस गोली से महेंद्र को वापस महेंद्र। दूसरी शर्त? पल्लवी से हमारी शादी और दहेज में पूरा राज। नहीं हा? राज हमारा, पल्लवी तुम्हारी। चलो मंजूर है, लेकिन अगर पल्लवी तुमसे शादी करने को राजी न हुई तो? राजी कैसे नहीं होगी, मेरे पास मोहिनी मंत्र है। ठीक है, गोली हमारे हवाले। गोली मेरे पास रहेगी, इसे मैं खोलूंगा, आप पिलाएंगी। आओ हमारे साथ। क्या जान सा मुखड़ा है, वाह वाह। पल्लवी बेटी, ये राजकुमार। हम राजकुमार चौपट सिंह हैं, वाह। और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। मेरे पास नहीं आना, मेरी शादी हो चुकी है। शादी से पहले तो हम भी किसी बालिका के पास नहीं आते, रही तुम्हारी शादी की बात तो हम पुनर्विवाह कर लेंगे। खबरदार जो मेरे पास आए तो। जानवर? हम जानवर नहीं हैं। हमारा और तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है, जरा हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो और पहचानो। तो हमारी एक आंख में आंखें डालकर देखो बालिके, शाबाश। उठो बालिके, उठो। ओम विभाए लग्नाय पंडिताय नमः, ओम अर्जुनाय सुभद्राय नमः, चौपट आनंदाय नमः।
आप इनसे पूछे। पल्लवी बेटी क्या कहती हो, हमें इनका प्रस्ताव स्वीकार है क्या? देखा हमारे मोहिनी मंत्र का चमत्कार, आप कहें तो आप पर भी ओम। नाराज है हमसे? भूल हमारी ही थी, यूं सबके सामने जो कुछ मुंह में आया बोल दिया, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। इतने वर्षों में क्षमा का शब्द तुमसे पहली बार सुना है। भूल मेरी भी थी, सबके सामने मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अब तो हमें अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। मैं उसी के बारे में हमेशा परेशान रहता हूं। हंस के पंख लगाकर हंस का रूप धारण करके सचमुच का हंस नहीं बन जाता। चलो अपने असली रूप में आ जाओ, वापस महेंद्र बन जाओ। नहीं, 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 नहीं। अरे ये तो सिद्ध पुरुष है। नहीं, 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 नहीं। सिद्ध पुरुष नहीं, ढोंगी पाखंडी जादूगर महेंद्र। पल्लवी असल में ये तुम्हारा पिता है। मेरे पिताजी? हाँ, इसने महाराज सूर्यदेव को मोतियों का हार और महारानी मीनाक्षी को बूढ़े भिखारन बना दिया, ताकि खुद यहाँ का महाराज बनकर अपनी मनमानी कर सके। आप यहाँ कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ का युवराज मैं हूँ। गजेंद्र? हाँ गजेंद्र, लेकिन मेरा असली नाम विक्रम देव है, जिसे बचपन में मरने के लिए जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया था। और जानते हो जंगली जानवरों के सामने तुम्हें किसने भिगवाया था? किस औरत ने? हमने? हाँ हमने, लेकिन हमने जो कुछ किया इसके कहने से किया। क्या? इसने अपने जादू के जोर से हमें अपने बस में कर लिया और हम इसके इशारों पे नाचने लगे। युवराज, महाराज सूर्यदेव का रूप धारण करके ये खुद यहाँ का महाराज बन बैठा, अपने बेटे को यहाँ की राजकुमारी बनाया और हमसे शादी करके और हमें बात तो कहा है कमीने। मेरे माता पिता अपनी असली हालत में कैसे आ सकते हैं, ये सिर्फ तुझे मालूम है। बोल कैसे उनका उद्धार होगा, बोल वरना मैं तुझे। राज, वो राज ही तो मेरी जिंदगी है। अगर मैंने बता दिया तो तू मुझे मार डालेगा, अगर नहीं बताऊंगा तो तू मुझे मार नहीं सकता। कमीने, मैं तुझे जिंदा। ले जाओ उसे और काल कोठरी में डाल दो। छोड़ दीजिए मुझे, नहीं। चलो, छोड़ दीजिए। काल कोठरी का दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। भगवान के लिए मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। बकवास बंद करो। स्वामी, खबरदार जो मुझे स्वामी कहा। तू नाग की बेटी है, तेरी नस नस में जहर भरा है। तूने भी अपने पिता की तरह
मुझे और मेरे परिवार को डसने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। बंद कर दो। बेटी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे जानवर से इंसान बनाया, उसके लिए राजपाट छोड़ा, आपसे बगावत की, उसका ये बदला दिया कि मुझे ठुकरा कर चला गया। मैंने उसे एक दिन अपने कदमों में झुकने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी पल्लवी नहीं। शाबाश पल्लवी, शाबाश। ये मेरा खून बोल रहा है। पिताजी, मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। हाँ बेटी, अपने पिता की शक्ति पर भरोसा रख। उसके माँ बाप का उद्धार मेरी मदद के बिना नहीं हो सकता। ये राज सिर्फ मेरे पास है और इसके लिए उसे एक ना एक दिन हमारे कदमों में झुकना ही पड़ेगा। पिताजी, वो राज मुझे बताइए, मैं उससे बदला लेने के लिए तड़प रही हूँ, बताइए ना। बेटी, अपने माँ बाप के उद्धार के लिए उसे स्वर्ण पर्वत का भेद जानना होगा। स्वर्ण पर्वत? हाँ, स्वर्ण पर्वत। ये कोई मामूली पर्वत नहीं है। इस पर्वत पर पहुंचने के लिए उसे पहले संजीवन पर्वत पार करना पड़ेगा, उसके बाद मूंगा पर्वत। और बेटी, ये पर्वत सिर्फ पांव से चलकर पार नहीं होंगे, इसके लिए उसे दान, भेद और दंड का सहारा लेना पड़ेगा। स्वामी, 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 मुझे जो जाना था जान लिया। चलिए माता जी को लेकर जल्दी सोन पर्वत पर पहुंचे। क्या मतलब? मतलब साफ है महेंद्र, अपने माता पिता के उद्धार के लिए जो भेद मैं जाना चाहता था वो पल्लवी ने मालूम कर लिया। ओह, तो मेरी बेटी ने ही मुझे दगा दिया। पल्लवी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू कुछ नहीं कर सकता महेंद्र। तेरी बेटी अपने पति के साथ स्वर्ण पर्वत पर पहुंचकर अपना कर्तव्य पूरा करेगी और तू इस काल कोठरी में सड़ता रहेगा। इस काल कोठरी की सलाह के मुझे कैद में नहीं रह सकेगी। विक्रम, मैं तुझसे पहले स्वर्ण पर्वत पर जाऊंगा, नई शक्ति लगाऊंगा, मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा, मैं महाराज बनूंगा, मैं महाराज बनूंगा, मैं महाराज बनूंगा। ऐसे लगता है हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां दान से काम निकालना पड़ेगा। हाँ बालवी, तुम माँ के पास ठहरो, मैं भी आता हूँ। बैठी माँ जी। राजकुमार, जो माँ बाप के होते हुए भी अनाथ है। यहाँ क्यों आए हो? उनके उद्धार के लिए स्वर्ण पर्वत का भेद जानने। भेद? भेद हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारा फैसला करना होगा। फैसला? किस बात का फैसला? मैं रूप की देवी हूँ और मैं जवानी की। मेरा कहना है कि रूप न हो तो संसार में कुछ भी नहीं, और मेरा कहना है कि जवानी के बिना संसार में कुछ भी नहीं। इसका फैसला तुम ही करो। हुस्न है तू, जवानी है, एक आग है एक पानी है। तू हुस्न है तू, जवानी है, एक आग है एक पानी है। तू हुस्न है दोनों की ये कहानी है। तू हुस्न है तू, जवानी है, एक आग है एक
ठिकानी है, तू हुस्न है, तू जवानी है, एक आग है, एक पानी है, तू हुस्न है। पास जवानी तू है वो दीवानी, सब जिसके दीवाने सबके रे फसाने, तू फूल की खुशबू, तू प्यार का जादू, हर बात है तुझसे, दिन रात है तुझसे, दिल की धड़कन है तू, तू ही तू, तुझसे ही जिंदगानी है, तू हुस्न है, तू जवानी है, एक आग है, एक पानी है, तू हुस्न है। नाच हसीना तुझ बिन क्या जीना, ये चांद सा मुखड़ा, ये चांद का टुकड़ा, ये गोरी बाहें जन्नत की राहें, तारीफ करूं क्या मैं और कहूं क्या, जिस पे तो मेहरबान मेरी जान, उस पे सबकी मेहरबानी है, तू हुस्न है, तू जवानी है, एक आग है, एक पानी है, तू हुस्न है, तू जवानी है, एक आग है, एक पानी है, तू हुस्न है। जिस्म है एक जा है, एक ना है तो एक हाँ है, कुछ ज्यादा नहीं कम नहीं, ये मलिका तुरानी है। देवियो यही मेरा फैसला है, रूप के बिना जवानी अधूरी है और जवानी के बिना रूप फीका, संसार में दोनों का महत्व समान है। ये बात है, स्वर्ण पर्वत का भेद जानने के लिए तुम्हें अपना रूप और जवानी दोनों का बलिदान देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। तो फिर आओ हमारे साथ। इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर अपने रूप और जवानी का दान करो। ठहरिए। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा नत ना कीजिए। इन देवियों को अगर रूप और जवानी का बलिदान चाहिए तो मैं वो बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। पल्लवी। हाँ स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ ना, देवियों मेरा बलिदान स्वीकार करो।
किंतु इससे कुछ फायदा ना होगा। इसके माता पिता का उद्धार इसी के दान से होगा, तुम्हारे या किसी दूसरे के दान से नहीं। लेकिन देवी पल्लवी, ये शरीर माता पिता की देन है, अगर इसका रूप और जवानी माता पिता के किसी काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन स्वामी पल्लवी, स्वामी नहीं, नहीं। पल्लवी स्वामी, लो देवी, मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर अपना रूप और अपनी जवानी इन दोनों देवियों को दान करता हूं। पर्वत के भेद की दूसरी मंजिल, मूंगा पर्वत पे दो असुर, बालासुर महासुर। स्वर्ण पर्वत का भेद जानने को दोनों ही भेद समझ गए। धन्यवाद दे दियो आप अलग। एक की जिंदगी की सुबह और दूसरे की जिंदगी की शाम, कैसे गुजारा होगा इन दोनों का। पति जिस रूप में मिले परमेश्वर के समान होता है। अब स्वामी तुम्हारे साथ? मैं विक्रम हूँ माँ। विक्रम, ये क्या कह रहे हो तुम? ये सच है माँ जी, स्वर्ण पर्वत का भेद जाने के लिए इन्हें अपने रूप और जवानी का दान देना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, माँ, माँ जी, माँ जी तो बेहोश हो गई। सुर बहासुर दोनों में भेद, पल्लवी ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। स्वामी मुझे? हाँ पल्लवी, ये काम तुम ही कर सकती हो। हाँ जो आके स्वामी।
सुंदरी हाँ। गजगामनी मेरा नाम बासुर है और मेरा नाम बालासुर है। अच्छा हम दोनों भाई हैं और दोनों जुड़वा भाई हैं। 6 महीने सुरा और 6 महीने सुंदरी। 6 महीने जब हम सुरापान करते हैं सुंदरी के दर्शन तक नहीं करते और 6 महीने जब हम सुंदरी के दर्शन करते हैं तो सूरा को छूते तक नहीं। तुम कौन हो सुंदरी? कहाँ से आई हो? किस लोक की हो? इंद्रलोक की। अप्सरा हो? इंद्रलोक की अप्सरा हो? तुम मेरी सुंदरता पर मोहित होकर आई हो? तुझ पर नहीं मुझ पर मोह दो कर आई है। नहीं मुझ पर। नहीं मुझ पर। मुझ पर। मुझ पर। मुझ पर। मुझ पर। मुझ तुम मुझ पर मोह तो कर आई हो ना? फिर मेरी बनोगी? बनूंगी लेकिन पहले स्वर्ण पर्वत का भेद बताओ। नहीं सुंदरी नहीं वो भेद बताने से तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। चल फिर एक काम करो
हाँ क्या करो देवी? स्वर्ण पर्वत का भेद बताओ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा। हटो जाओ, क्यों बेवकूफ बनाते हो? उसने तो मुझे आधा भेद बता भी दिया, वो तो पत्थर का नहीं बना। आधा भेद बता दिया, दो जोजन उत्तर से नदी की धार तक बता दिया। बता दिया, फिर भी वो पत्थर का नहीं बना। नहीं, देख लो। ए भाई बहासुर, मैं इसे पूरा भेद बता रहा हूँ। नहीं तुम मत बताओ, मैं बताऊंगा। नहीं मैं बताऊंगा। नहीं मैं बताऊंगा। नहीं मैं बताऊंगा। ठहरो, तुम दोनों भाई भाई होकर आपस में लड़ते हो, छे बहुत बुरी बात है। चलो तुम दोनों बता दो। दो योजन उत्तर, दो योजन पश्चिम, पग पग पर जीवन का जोखिम, चार घाटियां पांच पहाड़, बीचों बीच नदी की धार, जो नर सबको पार करेगा स्वर्ण पर्वत पर वो पहुंचेगा। खेत छुपाए वो सुख पाए, बोले तो पत्थर बन जाए। स्वर्ण पर्वत का भेद जान लिया है। मैं जानता था कि तुम कामयाब लौटोगी। क्या है बताओ? बताऊंगी तो पत्थर की हो जाऊंगी। तो ठीक है, मत बताओ। चलो तुम रास्ता दिखाओ, हम पीछे पीछे आते हैं। क्या हुआ? सांप डस गया। सांप? पल्लवी, मैं कहीं से सांप का जहर मारने की जड़ी बूटी लेकर आता। नहीं स्वामी, मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन पल्लवी, सांप का विष मेरे शरीर में फैल रहा है। आपके आने से पहले अगर मैं दुनिया से चली गई तो स्वर्ण पर्वत का भेद मेरे साथ चला जाएगा। नहीं पल्लवी, बताना मत, नहीं तो तुम पत्थर की बन जाएगी। आपको मेरी सौगंध, ध्यान से सुनिए। दो योजन उत्तर, दो योजन पश्चिम, पग पग पर जीवन का जोखिम, चार घाटियां पांच पहाड़, बीचों बीच नदी की धार, जो नर सबको पार करेगा स्वर्ण पर्वत पे वो पहुंचेगा। भेद छुपाए वो सुख पाए, बोले तो पत्थर बन जाए। पल्लवी, 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 अपने सास ससुर और पति के पुनर्जीवन के लिए तूने अपना जीवन अर्पण कर दिया, पत्थर की मूर्ति बन गई। भगवान न जाने मेरी क्या परीक्षा ले रहा है, लेकिन मुझे तेरी सौगंध पल्लवी, मेरे पांव किसी भी परीक्षा में नहीं डगमगाएंगे। तू शक्ति बनकर सदा मेरे साथ रहेगी। इसी शक्ति के सहारे तेरा भी उद्धार होगा, हम सब का उद्धार होगा। भैया जल्दी भागो। सुंदरी जल्दी भागो। बेटी ने दगा दिया और बहन मेरे काम आई। सुंदरी, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बहन, मैं वापस आकर तुझे माला माल कर दूंगा। मैं जाता हूं।
विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ विक्रम। गुरुदेव आपकी ये दशा दुष्ट महेंद्र ने की है। मेरी झोली में से गोलियां चुराकर मेरा धड़ पत्थर का बनाकर भाग गया, क्योंकि मैंने उसे देवदंड जैसी पवित्र वस्तु देने से इनकार किया था। मैं तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था गुरुजी, कि आप मेरे माता पिता और मेरी पत्नी का उद्धार करेंगे। चिंता न करो विक्रम, तुम ठीक समय पर पहुंच गए हो। आज शरद पूर्णिमा है, इससे पहले कि चंद्रमा आकाश के शिखर पर पहुंच जाए, यदि तुम देवदंड ले आए तो हम सबका उद्धार हो सकता है। लेकिन देवदंड है कहां गुरुदेव? मेरे पास आओ। हाँ, हाँ। और करीब आओ। शीघ्र जाओ विक्रम, चंद्रोदय हो चुका है। जो आ गया गुरुदेव। जय भवानी, जय भवानी,
मैं देव दंड ले आया। इसे मेरे शरीर से स्पर्श करके जय भवानी मंत्र का उच्चारण करो। जय भवानी। ये देवदंड मुझे दो विक्रम। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। स्वामी मीनाक्षी। पल्लवी। ये हमारा बेटा विक्रम है। विक्रम। पिताजी। बेटे। सूर्य देश के प्रियवासियों, हमारी इच्छा है कि हमारे प्रिय देश के राज सिंहासन पर आज एक नया सूर्य उदय हो। आप सबके आशीर्वाद के साथ हम चाहते हैं कि राज मुकुट युवराज विक्रम देव को पहना दिया जाए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है पिताजी। क्यों बेटे? महेंद्र और नंदिनी के जुल्मों ने प्रजा को राजकाज की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल बना दिया है, और जब प्रजा जाग जाती है तो राजा की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए प्रजा के सुख के लिए प्रजा पर प्रजा ही राज करेगी। Thank you.